मैं इस काबिल नहीं था, अल्लाह पाक ने मेरे पर करम नवाजी की। सही बात है जी। ये आ गई जी दाल हमारी वापस चूल्हे पे, और ये इसका था जी स्पेशल तड़का। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सोनिया और शहजादे शहजादियाँ और हमारे मेहमान एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। आज हमारे घर में खुदा की रहमत आई है जी, मेहमान वैसे भी रहमत हैं और साथ फिर वो रहमतें आई हैं जी बेटियाँ। तो ये देखें जी लाइन से बैठी हुई हैं, ये मेरी भतीजी भी लगती हैं, भांजी भी लगती हैं, दो दो रिश्ते लगते हैं जी। तो आज जन्नत बड़ी खुश है कि और कुछ जो है ना हमारे लिए गांव की सौगात भी है। ये है तो हम भी गांव में ही हैं लेकिन ये जरा मॉडर्न सा गांव है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? हम ठीक ठाक हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। तो काफी दिनों से जब मैं आपको बता रही हूँ अपनी वीडियो में व्लॉग में कि भाई हमारे गाँव से कौन चाची के घर से आज मेरी चाची ने मेरे लिए क्या भेजा है, मकई का आटा और सरसों का साग। सरसों का साग जी बिल्कुल देसी है जी, ये घर का लगा हुआ साग है और साथ धनिया भी बिल्कुल देसी अपनी जगह से तोड़ा हुआ। क्योंकि काफी दिनों से मैं कई काटा मांग रही हूँ इनसे, ये मेरे को दो कई काटा मिला के दिए दिया, तो उसमें की रोटी नहीं बन रही, तो इंशाल्लाह ये रोटी बना के आपको दिखाऊंगी मकई की और साथ सरसों का साग भी बनाऊंगी। तो मेरी जो चाची है उनकी बहू आई है, वो यहाँ पे रहते हैं, उनके अम्मी अबू उनको मिलने के लिए, तो आज भी हमें हमारे घर आई है 6 माह के बाद। ये हमारे इतने कजन भी लगता है मेरा, उसकी वाइफ आई है, बच्ची है उसकी, तो ये 6 महीने के बाद मुझे मिलने के लिए आए हैं जी। आप सब कमेंट में जरूर बताना कि ये अच्छा जल्दी मिलने आई है या बहुत देर से मिलने आई है। उसका रोंड ये भी लगा है जी। हाँ सही बात है जी। तो वो आज मुझसे मिलने के लिए आई है, तो पहले शुरू में ही हमारे घर आई है, उन्होंने फोन करके कॉल करके हमें बताया। तो ये देखें, तो खाने का टाइम है, चाय बनाना उन्होंने पिला दी है, तो गैस चला जाएगा, तो मैं बना रही हूँ जल्दी जल्दी रोटियां। मुर्गियों को बाहर निकाला जी, नीचे मेहमान आए हुए हैं और ये मुर्गा कोई अजीब ही हरकतें करता है। जब इसको मैं बाहर निकालता हूँ सुबह ना उनको दाना खाने देता है, कभी एक को मारता है कभी दूसरे को। ये देखें माशाल्लाह पहाड़ जो है ना, आज सामने धूप पड़ रही है, ऐसे ज़बरदस्त पहाड़ नज़र आ रहे हैं। मैं रात के टाइम दिखाऊंगा जी, चोटियों पे जो घर है ना लाइट जल रही होती है रात के टाइम, इतना मज़ा कर रहे होते हैं यकीन माने जी। ये देखें सुबह नाश्ते का टाइम है और माशाल्लाह से हमारे मेहमान भी इधर ही हैं, तो अभी नाश्ता तैयार हो रहा है जी अपने लिए और मेहमानों के लिए। सोनिया बना रही है जी ऑमलेट, पराठे इसने बना लिए, गैस थोड़ा कम हुआ था। ये देखें माशाल्लाह से और जन्नत आज खुश है अपनी दोस्तों के साथ नाश्ता करेंगे। और इसके काम चेक करें, मेहमानों से पहले ही अंडा अपनी तरफ खींच लिया इसने। हसन हुसैन अभी लेटे और फिर जो है ना आज दिन को कुछ खाना बनाएंगे, क्योंकि कल हम लोगों ने जो मुर्गछेरा बनाया था मेहमानों को वही खाना खिलाएंगे, तो आज भी स्पेशल सब मेहमानों को खाना खिलाएंगे। चाय वगैरह भी तैयार है जी हमारी। ये देखें जी, ये आज से ऊन से बनाया हुआ जो स्वेटर है, ये देखें। तो ये मेरी जो कज़न है उनकी घर वाली है, उसने अपनी बेटी के लिए बनाया है, तो कह रही है, मैंने बोला जन्नत का, तो कह रही है, तो ये मैंने भी देखा है। वैसे तो यहाँ से बने हुए भी मिलते हैं लेकिन बने हुए मुझे मिले नहीं है, मुझे काफ़ी बुरा हो रही है, तो ये आज उसने बना के अपनी बेटी के लिए, तो मुझे कह रही है आप मुझे ला के दे दो, तो मैं बना दूँगी जब तक यहाँ अम्मी के घर हूँ। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है, तो यहाँ पे बच्चों के इसमें टोपी वगैरह आपने देखी होगी, जन्नत की टोपी भी है, वो भी इसी तरह किसी ने मुझे गिफ्ट की थी, तो ये अपनी बेटी के लिए इसने बनाया हुआ है छोटी के लिए। हाँ तो वो जो जन्नत अरबियों सी वाली टोपी पहनी होती है, पता नहीं किधर पड़ी है वो, जन्नत को किसी वो जमीन पे पड़ी है, ये भी वो उसी तरह उन से बनाई हुई है, इसी तरह आपसे कुरेशी से बनाती है, तो बहुत मुझे नहीं बनानी होती ना, अगर 2 बार को मेरे सामने बनाए तो मैं शायद सीख भी जाऊँ, मुझे अच्छा लगता है, तो मैं जन्नत के लिए बनाऊंगी। आज जी सोनिया अपने काम में मसरूफ़ है, आज सोनिया का हाथ बटाने के लिए मेरी बहन भी है समझ लें, तो आज मेरी छुट्टी समझ लें। आपके ऐसे का काम जो है ना मैं करूँगी, मेरे ऐसे का काम जो है ना मेरी जो कज़न है ना वो करेंगी, तो इसलिए आज वो अंदर की सफाई वगैरह कर रही है, तो मैं अभी आई हूँ किचन में बर्तन वगैरह धो रही हूँ। अभी वो चले जाएंगे, उन्हें हमारे यहाँ दूसरे जान पहचान वाले वो लेने आ रहे हैं, तो आ जाएंगे, तो फिर खाने का भी पूछ लेंगे, फिर आज थोड़ा थोड़ा के लिए बना लेंगे कुछ,
तो अभी पहले लाइट गई है, वापस ही नहीं आई है, ऐसे तो जाती है तो आ जाती है, तक आई नहीं है। सर्दी इतनी ज़्यादा है कि मैं भी किचन में घुसी हूँ, सोचा है कि धो ही लूँ बर्तन, तो अभी बर्तन धोने के लिए तो वो लगा के जा रही क्या है। मेहमान गए जी, ज़रा से हमारे एक और रिश्तेदार के घर कुछ देर के लिए खाना खा के आएंगे या नहीं, ये बता मेरे को। वो तो बोल के गई है, जो उनको लेके गए वो तो बोल के गई है कि वो खाना खा के आएंगे, तो मैंने उनको बोला है कि खाना ना के खाना, वो बोलती थी मुझे भी लेके जा रही थी, मुझे लगता है वो खाना खा के आएंगे क्योंकि अभी वो यहाँ पे है ना करीब, तो उसका भाई को आएगा 3 बजे, भाई भी आएगा भाभी भी आएगी, वो खाना खा के आएंगे कि नहीं। नहीं, वो ड्यूटी से सीधा इसको लेने के लिए आएंगे, वो नहीं, ये खाना खा के 2 बजे तक ये मेरे ख्याल में वापस आ जाएगी हमारे घर, कह रही थी कि मैं 2 बजे तक वापस आ जाऊंगी, लेकिन 3 बजे भाई आएंगे। करना क्या है फिर, क्या करना है, मैं तो कह रही थी चावल वगैरह बना के, बच्चे भी अभी यही बोल रहे हैं। इन्होंने भी आज मौके का फायदा उठाया, छुट्टी कर ली स्कूल की, तो उनके सामने हम ज़्यादा सख्ती भी नहीं कर सके, लेकिन कोई बारिश होती है, कोई रीज़न होता है, फिर छुट्टी का वो भी होता है इस तरह। बेटा उस दिन मैंने बारिश में भेजा था ना पीछे, मैं तुम्हारी चौकीदारी करता रहा हूँ, और इसके काम देखें जी, अभी उसके साथ जा रही थी। हाँ, जो आता है बस उसके साथ ही निकल जाती है, बोली आओ चले, तो मैंने वो कह रही थी, मैंने बोला रोई के बाद को वहां जा रही थी, बोले कि मेरे घर लेके जा, तो ये तो क्रीम दिया लेके जी। कल की वीडियो में हमने थोड़ा सा अपनी शादी के बारे में कुछ थोड़ी सी बातें शेयर की थी, तो माशाल्लाह आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद की, और आपने नीचे कमेंट में मुझे काफ़ी बहन भाइयों ने कहा जी आप अपनी शादी की मुकम्मल एक वीडियो बनाएं, उसमें आप हो सके तो अपनी शादी की वीडियो वगैरह और पिक्चरें वगैरह शेयर करें। तो पिक्चरें देखना पड़ेंगी, 25 साल गुजर गए, सामान इधर उधर शिफ्ट करते करते कराची में सारी, कुछ भी बकाया जात हुए तो वो दिखा देंगे, और कुछ ना हुआ तो कम से कम निकाह नामा तो दिखा ही देंगे। शादी की है माशाल्लाह से, आपके साथ मेरी शादी हुई है, पसंद किया है आपने, नहीं, मुझे वो किया तो है, किया मैंने है। नहीं भी किया तो आपने तो मुझे किया कुछ है। लोगों ने कहा है कि जी आप सोनिया भाभी ने ऐसे कहा था तो आप ऐसे करते, जी बिल्कुल ऐसे ही करूंगा, मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो वो बहुत बड़ी लंबी कहानी है जी, वो उसमें बैठेंगे कुछ बातें करेंगे आप लोगों के साथ, तो फिर वो हमारे जो बच्चे नहीं थे वो भी आपसे शेयर करेंगे, वो ज़िंदगी किस तरह गुजरी थी, ये किस तरह गुजर रही है, आने वाली कैसी होगी वो तो हमें नहीं पता, जो गुजर गई है वो इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और जो बातें कल इन्होंने बोली थी ना, कि मैंने बोला कि आपसे मुझे मैंने पसंद नहीं भी किया था, लेकिन ये मैं आपसे बोलती हूँ कि ये मेरे कज़न थे, तो आपको पता है खून का जो रिश्ता होता है वो पसंद ही होता है, तो मुझे पसंद है, पहले भी थे अभी भी हैं, अगर पसंद ना होते तो आज तक अभी हमारी जो है ना जिंदगी ना चलती, तो पसंद है तो तभी से चल रही है। मैं इसे बाहर नहीं जाने देता, ये मुझे बाहर नहीं जाने देती, तो आप खुद अंदाजा लगा, अगर हमारी कोई छोटी मोटी बात पे अगर कोई नाराजगी हो जाती थी ना, तो मैं अगर रूट की अम्मी के घर चली जाती थी ना, तो ये दरवाजे से जैसे ही अंदर घुसते थे ना, तो मेरे अबू मुझे बोलते थे मेरे से पूछे बगैर बाहर नहीं जाना, तो मैं आज बोलती थी जी अबू जी, जब वो अंदर घुसते तो मैं भी वहां से उस टाइम तक नहीं निकलता था जब तक इसको लेके ना निकलो। तो आज बना रहे हैं जी मूंग मसूर की दाल और साथ चावल। दाल बनाने के लिए जी सबसे पहले मैंने तैयारी कर ली है, मैं ही बना रहा हूँ, चावल सोनिया बना लेगी। मूंग मसूर की दाल दोनों मिक्स करके बराबर बराबर मैंने 1.5 पाव दाल ली है जी, दोनों इनको धो के अच्छे तरीके से ढक दिया है। अब इसमें जो है ना मैं आपको बताता हूँ जी, ये देखें, टमाटर 1 अदद बड़े साइज़ का, प्याज 2 अदद, और इसके लहसुन के तकरीबन 5-6 जो हैं, गरम मसाला है जी मुकम्मल उसमें जो तकरीबन थोड़ा सा, 2 अदद हरी मिर्च मैंने काट के छोटी कर ली है, थोड़ा सा सौंफ डाला है जी, मैं डालता हूँ दाल में, आपकी मर्ज़ी है डालें या ना डालें, ये सब इसमें शामिल कर दें। नमक है जी, हसबे ज़ायका आप डाल सकते हैं, लाल मिर्च वो भी आपकी उसके हिसाब से, ये शामिल कर दिए जी। अब इसमें शामिल करूँगा जी, ये देखें ये पतीली पानी की, बहुत ही आसान तरीका है लेकिन दाल बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। ये रख दिया जी इसका, और इसका एक स्पेशल तड़का बनेगा
अंडों के साथ, तो अंडे मैंने बॉयल करने के लिए रख दिए हैं। तो इंशाल्लाह दिखाऊंगा आपको साग, सब कुछ दिखाऊंगा, स्किप कुछ नहीं करना, छुपाना कुछ नहीं है। कुछ बड़े यूट्यूबर ये दाल बताते तो हैं लेकिन बीच में डंडी मार जाते हैं, दाल को बिल्कुल अलीम बनाया हुआ तो दिखाते हैं लेकिन ये नहीं बताते कि उन्होंने अलीम कैसे बनाई। तो अगर आप इसी तरीके से छोड़ देंगे जिस तरह वो बताते हैं तो फिर आपकी दाल उनकी तरह नहीं बनेगी। छत पे बैठे हैं जी धूप में, सिर्फ बिल्कुल सामने कैमरा जो है ना, सूरज आंखों में लग रहा है, बैठा ही नहीं जा रहा। मेरी तो वैसे ही आंखें बंद हो जाती हैं, आगे छोटी छोटी आंखें हैं ना। तो बात एक आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ जी, कुछ बहनें कुछ फैमिलीज़ जो है ना हमें कमेंट में और मेल में कहते हैं कि हम आपके लिए बच्चों के लिए कोई तोहफे गिफ्ट वगैरह भेजना चाहते हैं। आप लोग की मोहब्बत है तो मैं इस चीज़ का शुक्रिया नहीं अदा कर सकता। मेरे लिए ये जो है ना नया काम है, तो यकीन माने मैंने ज़िंदगी में कभी बाहर से पैसे तक वसूल नहीं किए थे। हमारी एक सिस्टर ने, ये जो फ़ोन चल रहा है ना जिस पे हम वीडियो बना रहे हैं, ये हमारे वही मोहसिन बहन है हमारी, माशाल्लाह अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी में कभी किसी दुख के करीब भी ना लेके जाए, ये उनकी मेहरबानी है। तो उन्होंने जो है ना मुझे कहा, मैंने मना किया, उसरार करके उन्होंने कहा आप फ़ोन लें। तो फिर इस मामले में ना उन्होंने बड़ी मेरी रहनुमाई की, मुझे कुछ पता नहीं था कैसे पैसे बाहर से वसूल किए जाते हैं। मैं उन्हें खासा परेशान करता रहा क्योंकि नासमझ सा आदमी था, कुछ पता नहीं था, तो काफ़ी परेशान किया। लेकिन फिर भी अल्लाह पाक उनको जजाए खैर दे, उन्होंने मेरे साथ इतना तआवुन किया। तो वो जो है ना पैसों का एक्सपीरियंस उन्होंने मुझे करवाया और मेरे इस मामले में थोड़ी सी मेरी रहनुमाई की कि भाई ये इस तरह होता है। तो अब गिफ्ट का मामला ऐसा है ना, मुझे इस बारे में भी कुछ पता नहीं है। हाँ, सिस्टरों ने मुझे ये कहा है कि आप पोस्टल एड्रेस वगैरह जो है ना वो दें, तो बाहर से सिस्टरों ने जो हम यहाँ से आपकी तरफ, तो मेरा मैंने यहाँ पे बैंक अकाउंट खोला था ना जब आके, तो यकीन माने मैंने उनको जो पता जिस घर में पहले रहता था वहाँ का पता दिया। तो जब उन्होंने बैंक के कोई ज़रूरी कागज़ भेजे वो मेरे पास नहीं पहुँच सके। हालाँकि मकामी पोस्टमैन था वो बाहर, एक यहाँ हमारी मशहूर दुकान है परचून की, उसको देकर चला गया। मुझे फ़ोन करता है भाई आप वहाँ से अपना बैंक के कागज़ उठा लेना। तो यहाँ अभी तक कोई मुस्तकिल हमारा पता ही नहीं है। हाँ जी सही बात है, अभी हम लोग किराए पे बैठे हैं ना। कोशिश में कर रहा हूँ, अल्लाह पाक करम करेगा, अल्लाह पाक की मदद शामिल हाल है। मोहब्बत है, आप लोग की दुआएं करम नवाजी है। तो अल्लाह ताला आपको बहुत अता करे, जितनी मेरे रब की शान है। आप लोगों के लिए यही दुआ है कि जब आप इतने अच्छे कॉमेंट कर देते हैं हमारी इतनी, इंशाल्लाह अगर आपका दिल कर रहा है ना तो मैं ज़रूर वो करूँगा, लेकिन थोड़ा सा कोई मेरा मुस्तकिल ठिकाना हो। इस मामले में भी मैं अपनी उस बहन को फिर नाम लूँगा, नाम तो नहीं लूँगा, खैर नहीं नहीं, उन्होंने ये हमारे को मोबाइल लेके दिया था क्योंकि हमारा मोबाइल दूसरा वाला बहुत ज़्यादा ख़राब था, वो उसकी आवाज़ का भी इशू था, वो वीडियो वगैरह सही नहीं, तो उन्होंने हमारे लिए। तो वो हमारे इस मामले में इसरार भी कर रही हैं कि आप कोई अपनी जगह भी देखें। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम लोगों के लिए, उनके लिए हमारे दिल में बहुत ज़्यादा दुआएं, हम उनके लिए दुआई करते हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी शान के मुताबिक अता करे दुनिया और आखिरत की। मैं आपको बताऊं ना जी एक बात के बाबा बुल्ले शाह ने फरमाया था कि असला नाल जो नेकी करिए तो नस्लां तक नहीं भूलते। मैं इस काबिल नहीं था, अल्लाह पाक ने मेरे पर करम नवाजी की। सही बात है जी, उस बहन का जो है ना मैं आप जी, हमारे पास कोई अल्फाज ही नहीं है ना कि उस बहन के लिए कि हम उस किस अल्फाजों से। मैं ज़रा सा ना जज्बाती हो जाता हूँ इस मामले में। तो उन्होंने अल्लाह वास्ते की नेकी की है, यहाँ तक जो है ना उन्होंने कहा है कि भाई मुझे अल्लाह ने वसीला बना के भेजा बनाया है। तो हमारे लिए उनके लिए कोई वो नहीं है कि वाकई अल्लाह ताला जिसको बंदे को ये जिस चीज़ के लिए वसीला जिसको बना देता है तो वो वाकई वो वसीला बन के आता है। इसीलिए कहता हूँ ना दुआ कराई नहीं जाती, दुआ ली जाती है। तो वो बहन हमेशा हमारी दुआओं में, तो जो जो बहन हमारे साथ इस मामले में, ये नहीं मैं पैसों की बात कर रहा हूँ या किसी, जो हमें मोहब्बत दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, वो हमारी दुआओं के हकदार खुद ही हो गए। कहने की भी जरूरत, ये भी बहुत बड़ी बात है जो अच्छे कमेंट कर देते हैं, अच्छी ये बोल देते हैं कि हम आपके लिए कोई देखें, ये भी बहुत बड़ी बात होती है।
तो बस हम यही कहते हैं कि हमारे लिए बहुत खुशी होती है हमें कि हमारी वीडियो को लाइक शेयर कर देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं, हमारी वीडियो देखते हैं। इतना सा दिल तो आज हमारे थोड़े से बस थोड़ा सा दिल वो हो गया कि बस उस बहन ने हमारी को थोड़ा सा, काफ़ी दिनों से हम लोग ये कर रहे थे तो आज मेहमान भी हमारे आए हुए हैं, तो वो थोड़े से मेरे कज़न की भी, और कज़न भी फौज में होता है, नीचे तैयार हो रहे हैं, तो कज़न मेरा फौज में होता है, तो वो भी कह रहा था कि अगर खाना अच्छा बन रहा है, बिरयानी वगैरह बना रही है, तो मेरी बहन तो मैं आ जाऊँ बस कर, काफ़ी लंबा तो इस वजह से वो नहीं आ सकता, तो मैंने अभी उनके लिए बनाई है जी दाल चावल, बिरयानी नहीं बनाई मेरे कज़न, दाल में रख के आया हूँ मैंने बताया नीचे जी। तो सोनिया के चावल पहले उबल जाएंगे जी, सोनिया चावल उबाल रही है और मेरी दाल अभी तक तैयार नहीं हुई। तड़के के लिए मैंने जी सामान तैयार कर लिया है, ये देखें अंडे बॉईल किए थे वो भी मैंने बारीक काट लिए हैं, यहाँ अदरक लहसुन है जी, हरी मिर्च और धनिया, थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे क्योंकि ताकि तरी जो है ना लाल हो जाए, हाँ मसाला तेज़ रखूँगा, खैर इतना भी तेज़ नहीं रखना कि ये हरी मिर्च लगती भी बहुत है, ये मैंने पहले भी डाली है अभी फिर डाल रही हूँ। क्या करता है मेरे गम से उनके ही आटा है या सरसों का साग है वो कल पका लेना। ये देखें जी यहाँ पे मैंने एक काम किया है जो अक्सर लोग दिखाते नहीं हैं, तो ये दाल को ना इस तरह पतली हलीम बनाने के लिए ना आप लोग ने क्या करना है, जब इसका पानी थोड़ा कम हो जाए चूल्हे से उतार के ना थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर ये काम करना है, लेकिन मैंने आपको बताऊं किस तरीके से करना है, किया है मैं पहले भी करता रहा हूं तो मुझे इसलिए परेशानी नहीं हुई। मैं इस तरह ना दाल को उठा के और ये पतीला आप जिस तरीके से आसानी समझें, आपके पास कोई चीज़ है नहीं तो होटल पर भी इसी तरीके से ना बस ये दाल की उल्टी उसकी गिलास की उल्टी साइड ना ये बस ज़रा सी दाल को मेश कर लिया ऐसे, इससे जो ना आपकी दाल बिल्कुल जो है हलीम की तरह चावलों पे डालने के लिए और वैसे रोटी के साथ खाने के लिए बड़ी मज़े की बनती है। दाल चावल जो है ना हम लोग के ज़्यादा इसी तरह, चाहे मसूर की दाल हो, मूँग काले मसूर की, लाल मसूर, तो कौन सा मसूर है सोनिया बेहतर बता सकते, साबुत मसूरों की दाल को ये, साबुत मसूरों की दाल को ये बोलते हैं काला मसूर। मेरी दाल तैयार है जी, मैं अब इसको लगाऊंगा तड़का, देखें माशाल्लाह आप तड़के के टाइम जो है आपको दिखाता हूँ जी। हमने थोड़ा सा घी रख दिया है जी, अब इसमें अदरक लहसुन शामिल करूँगा, सबसे पहले अदरक लहसुन को थोड़ा सा ब्राउन करेंगे, लाइट सा ब्राउन, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना जी, दाल मैंने फिलहाल चूल्हे से उतारी है पके जी, साथ ही हरी मिर्च भी शामिल कर दूँगा ताकि घी में ये भी फ्राई हो जाए। ये जी देखें तैयार हो गया, हल्का सा बादामी कलर आया है इसमें, अब इसमें मैं शामिल करूंगा जी थोड़ी सी लाल मिर्च, लाल मिर्च मैंने पहले वहाँ शामिल कर दी है सिर्फ कलर के लिए, अब मैं साथ ही शामिल कर दूंगा जी इसमें अंडे, अंडे जब घी में फ्राई होंगे ना तो आप देखें आपको उबले हुए अंडे जी मैंने पहले आपको बताया था, ये भी साथ जो है ना घी में थोड़े फ्राई कर लेंगे, फ्राई करने से उबले हुए अंडों का जायका बड़ा ही ज़बरदस्त हो जाता है। अब वापस आएगी नीचे दाल को दोबारा चूल्हे पे हल्की सी आंच पे रखेंगे और ये तड़का जो है ना दाल के ऊपर जाएगा। ये आ गई जी दाल हमारी वापस चूल्हे पे और ये इसका था जी स्पेशल तड़का, थोड़ा सा ये पकने दें आप इसको, अब इसी स्टेज पे ना चूल्हा बिल्कुल मदम सा करना है ताकि इसकी तरी ख़राब ना हो, अभी तो तेज़ है चूल्हा, तू कहाँ दिखा रहा है यार, तू भी बड़ा प्रोफेशनल वीडियो बनाने वाला, कुर्बान जाऊँ तेरे आगे, तू मेरे कुकिंग चैनल का क्या तू मेरा वो बनेगा। ये जाके जी धनिया ऊपर शामिल, थोड़ा सा इसको पकाएंगे ताकि धनिया भी अच्छे तरीके से तरी ख़राब नहीं करनी जी, बल्कि मीठे मीठे हाथ से इसको मिक्स करना है ताकि मसाला भी मिक्स हो जाए और तरी भी ख़राब ना हो। जल्दी जल्दी करें मुझे डाल के दें, मुझे बहुत सारा। और देखें जी मेरे इधर भी इधर दिखा मुंह क्या दिखा रहे हैं, हमारे मुंह उन्होंने देखे हुए हैं, आपने इतनी बिल्कुल सख्त भी नहीं करनी बिल्कुल पानी भी नहीं करनी, ये जो है ना इस तरह की होनी चाहिए चावलों के लिए, बाकी सालन के लिए भी अगर आप इसी तरह रखें तो बेहतर है। अब जब ये सर्व करेंगे ना जी फिर दिखाएँगे आपको। सोनिया ने जी चावल डाल दिए अपने बॉईल किए हुए, मैं अपनी दाल डालूंगा
ये सोनिया का आइटम, ये मेरा आइटम, अब दोनों मिक्स होंगे और हम खाएंगे। इसको कहते हैं जी प्यार मोहब्बत। और अब मैं जो दाल शामिल करूंगा जी, आपको थोड़ा सा चमचा चला दूंगा। एक मिनट तकरीबन मैंने इसको पकाया है, दाल थोड़ी सी भेज गई है, तो मिक्स करके जिस तरह नहीं कहते कि पाउडर वाली दवाई को हिला के इस्तेमाल करें, इस दाल को भी ना इसी तरह हिला के इस्तेमाल करें और बेसह हिलाएँ कि तरी ख़राब ना हो। ये देखें जी, अभी मैं जब जैसे जैसे डालूंगा ना तो आप लोग के मुंह में पानी आ रहा होगा, मुझे पता है, मुझे भी मेरे मुंह में भी आ रहा है क्योंकि अभी तक मैंने खाई नहीं है। साथ अपने हिसाब से ना, बच्चों के हिसाब से अंडे भी शामिल करें, थोड़े से बचा लें दूसरे टाइम के लिए। नहीं, हमारा मान भी आ गया तो फिर भी। सोनिया दाल बहुत है। अब हमारी खूबसूरत चेहरे भी दिखा सकता है तू, कैमरा मैन तेरे को इजाज़त है कम से कम ऐसी ज़बरदस्त चीज़ पकाने वालों के मुंह तो दिखा। नहीं, नहीं, ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़े मज़े की बनती है और बना के हमें कमेंट में ज़रूर बताना कैसी बनी है। लेकिन ये है कि हमने खाई है और बड़े मज़े की बनी है। ये स्पेशल ढाबा स्टाइल की चीज़ें हैं जी जो आपसे शेयर करते हैं, तो चलें अभी ऊपर छत पर जा के खाते हैं। वो वीडियो ख़त्म करें। बच्चे मेरे से पहले ही ऊपर पहुंच गए जी, देखें जी माशाल्लाह से, ये देखें माशाल्लाह से, वो कोने में क्या पड़ा है वो देख, अंडा देख, ये कैसे पड़ा है भाई सोनिया खड़ा होके पड़ा हुआ है। मुर्गी ने कल कमर बैठे बैठे मां अंडा दिया। चले जी आज की वीडियो खत्म करते हैं, तो वीडियो काफ़ी लंबी होगी। आज की वीडियो पसंद है ऐसे लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी दुआ के साथ जाना खुश हुए बाद अल्लाह ताला आपको हमें अपने ईमान में रखे। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ जी, क्योंकि हमारे मेहमान भी आ रहे हैं तो फिर जो है ना, अल्लाह हाफिज़।